हेलो दोस्तों, देखिए आपको जानकर खुशी होगी इस संसार में कहीं भी कोई बीमारी है ही नहीं। दोस्तों बीमार तो आपको बनाया जा रहा है या आप खुद बन रहे हैं दोस्तों, क्यों? डर सबसे बड़ी बीमारी है। डर अगर आप किसी भी रोग से डर जाते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए वो डर जिंदगी भर निकलता नहीं है, क्योंकि सारी जितनी भी ये बीमारी है बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर के द्वारा की गई चिकित्सा है। दोस्तों जब हमें जुखाम हो जाता है तो जब जुखाम क्यों होता है, या तो सर्दी गर्मी से होगा, ठंडा पानी पी लिया, मतलब गर्मी में शायद ठंडा पानी पी लिया, गला बैठ गया, और जब गंदगी जमा हो जाती है शरीर के अंदर तो कैसे निकलेगी बताइए? दिमाग में गंदगी चलेगी, रात दिन हम सांस लेते हैं हवा में, धूल मिट्टी अंदर जाती है, तो जब अंदर जमा हो जाती है फेफड़ों के ऊपर भी जो फिल्टर होता है, जब वहां पर इकट्ठी होती रहती है दोस्तों गंदगी, और सर में दिमाग तक पहुंच जाती है, तो दिमाग को और फेफड़ों को साफ करने की प्राकृतिक तरीका है दोस्तों, जिसे आप रोग कहते हैं। दोस्तों अगर आप अपने चिकित्सक यानी अपने शरीर का आप साथ दो दोस्तों, तो आप अपने आप ही स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों जब भी जुकाम खांसी नजला हो दोस्तों, खाना बंद कर दीजिए, बस लिक्विड लिक्विड पीजिए या खट्टे जूस पीजिए दोस्तों, आप देखेंगे आप एक दो दिन में ही अपने आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। और आप है कि दवा खा लेते हैं और जिंदगी भर के लिए उसे भी दमा सांस में तब्दील कर लेते हैं दोस्तों। जितने भी सांस की दिक्कत है जिन लोगों को भी, वो अपनी हिस्ट्री याद कीजिए, उन्होंने शुरू में ही जुकाम खांसी होने पर ही दवा खाई होगी, और भी बार बार साल में जब भी जुकाम होता है दवा खाते रहते हैं और आखिर में वो सांस बन जाता है, क्योंकि वो बलगम जो गंदगी होती है वो अंदर ही फेफड़ों में जम जाती है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई दिक्कत हो पहले अपने शरीर के द्वारा उसको ठीक करने दीजिए, 3-4 दिन उसे अपने शरीर को काम करने दीजिए और उसका सहयोग कीजिए। ऐसे ही बुखार है दोस्तों, जब बुखार आता है तो अंदर जब गंदगी आंतों में जब ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, या डॉक्टर ने कह देते हैं इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, आंतों में बैक्टीरिया हो जाते हैं दोस्तों, तो इतनी हीट पैदा कर देता है शरीर हमारा कि वो जितने भी बैक्टीरिया खून में हो चाहे आंतों में हो सबको खत्म कर देता है और एक नया जीवन देता है दोस्तों, शुद्ध कर देता है पूरे शरीर को। आप दवा नहीं खाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे, दवा खाओगे तो आप पता नहीं कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक हो गए भी नहीं भी होगे दोस्तों। और अगर आपने लिक्विड लिया, बुखार में भी लिक्विड लिया दोस्तों, कि जब शरीर हीट होता है दोस्तों तो गर्मी ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना है, गर्मी को शांत करने के लिए लिक्विड लेना है दोस्तों, नारियल पानी हुआ, मौसमी जूस हुआ, तो लिक्विड लीजिए, आप देखेंगे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में दोस्तों। आपने देखा होगा जितने भी जानवर हैं उनको भी बुखार होती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, तो वो अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। आप कहते हैं कि प्रकृति ने उन्हें दे रखा है, कुदरत ने उनके साथ होती है, कुदरत आपके भी साथ है, आपको दुश्मन थोड़ी कुदरत के, कुदरत ने आपको जिस काम के लिए भेजा दोस्तों उस काम को जब आप पूरा कर लेंगे तभी यहाँ से जाओगे इस संसार से, वरना जिंदगी भर भटकते रहोगे इस तरह दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने शरीर के चिकित्सक खुद बनिए और अपने शरीर को चिकित्सा करने दीजिए। जितने भी रोग है ना ये दोस्तों, ये हमारा शरीर चिकित्सा करता है यानी गंदगी को बाहर निकालता है, और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों का कारण टॉक्सिन को माना गया है। टॉक्सिन यानी कि सभी रोगों का कारण एक है टॉक्सिन, और टॉक्सिन निकाल दीजिए सारे रोग ठीक हो जाते हैं दोस्तों। वो शरीर हमारा टॉक्सिन बाहर करता है, आप उसको बीमारी समझ के उसी को काटना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगर स्वस्थ रहना है तो दोस्तों अपने चिकित्सक खुद बने और अपने अपने शरीर को चिकित्सा करने दे दोस्तों, उसके कार्य में जो चिकित्सा करता है उसमें सहयोग कीजिए, ना कि आप उसमें अड़ंगा लगाइए दोस्तों। आप दवा खा खा के अपने आप को परेशान ना करें, और डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, डर ही सबसे बड़ी बीमारी है, डरना नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे अपने आप ही 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे दोस्तों। और यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आपका दोस्त डॉक्टर पवन कुमार नेचुरोपैथी।